श्री हिंगलाज शक्तिपीठ पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 5वें दिन भी जारी रहा। कथा के 5वें दिन कथावाचक साध्वी सत्यसिद्धा ने श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा सुनने को लेकर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं कथा आयोजन को लेकर मंदिरों को भी आकर्षक फूल पताकाओं से सजाया गया। गुरुवार को भामाशाह परिवार ने कथावाचिका साध्वी सत्यसिद्धा का चुनरी उड़ाकर बहुमान किया। श्री हिंगलाज शक्तिपीठ में बाबूलाल खत्री की ओर से उनकी माताजी झीमा देवी की स्मृति में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गुरुवार को 5वें दिन भी जारी रहा। कथावाचक साध्वी सत्यसिद्धा ने श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा सुनने को लेकर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। वही कथा आयोजन को लेकर मंदिर को भी आकर्षक फूल पताकाओं से सजाया गया था। गुरुवार को मेघराज खत्री पणिहारी वालों की ओर से माताजी नर्मदा खत्री की स्मृति में साध्वी को सब श्रृंगार एवं चुनरी उड़ाकर कथा का बहुमान किया गया। कथा का वाचन करते हुए व्यासपीठ से साध्वी सत्यसिद्धा ने कहा कि जब कंस ने 8वीं संतान जो लड़की थी को मारने के लिए उठाया तो वह लड़की आकाश में उड़कर आकाशवाणी करने लगी कि कंस तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। इसके बाद नंद जी के घर नंदोत्सव मनाया गया। साध्वी ने कहा कि बेटियां घर की शान होती हैं, जो काम बेटा नहीं कर सकता वो बेटियां करती हैं। बेटियां रिद्धि सिद्धि होती हैं, बेटियां भाग्य लक्ष्मी बनकर जन्म लेती हैं। इसके बाद साध्वी ने भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के वध का प्रसंग बड़े मार्मिक ढंग से सुनाया गया। साध्वी ने कहा कि भक्त के वश में होते हैं भगवान, भक्त अगर सच्चे मन से पुकारे तो भगवान को आना पड़ता है। श्री हिंगलाज शक्तिपीठ में इन दिनों तीर्थ धाम जैसा नजारा दिख रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनने सैकड़ों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। भगवान के जयकारे लगातार लग रहे हैं। कथा के दौरान राधे राधे की गूंज पूरे इलाके में गूंज रही है। संगीत में प्रसंगों के दौरान श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। गुरुवार को आयोजित हुई कथा में अनंत पुरोहित, बाबूलाल खत्री, भुवनेश खत्री, लेखराज भूत, जयश्री खत्री, मनोज खत्री, हिरगिरी भजन गायक कैलाश ठाकुर, रिंकू खत्री, नैना खत्री, पुष्पा खत्री, विनीता खत्री, मंजू शर्मा, चंद्रकला, गीता खत्री, अश्विन खत्री सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।